नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रिएचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता के 10 बेस्ट कपल प्लेसेस एंड पार्क्स की। हम इस वीडियो में कोई भी फैंसी प्लेसेस यानी फैंसी होटल्स या क्रूजेस को इंक्लूड नहीं किया है। ये बहुत ही कॉमन प्लेसेस हैं, कॉमन पार्क्स हैं, जो कि बजट में आ जाएंगे और सब कॉमन पीपल विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 10 बेस्ट कपल प्लेसेस एंड पार्क्स इन कोलकाता। 10वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है नलबन पार्क। नलबन पार्क कोलकाता के सॉल्ट लेक एरिया में स्थित है और यहाँ आने के लिए आपको विधान नगर से बस या ऑटो मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप सियालदा से मेट्रो लेके सेक्टर 5 मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं और वहाँ से भी ऑटो लेके आप यहाँ पे बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है केवल 30 रुपए। यह वीक में सभी दिन खुला रहता है। 9वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है इलियट पार्क। इलियट पार्क कोलकाता के मैदान एरिया में स्थित है। यहाँ आने के लिए आप मैदान मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं और वहाँ से बड़ी आसानी से आप इस पार्क में पहुँच सकते हैं। यह पार्क कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। यह वीक में सभी दिन खुला रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 5 से सुबह 10 बजे तक और दोपहर 1 बजे से दोपहर के 4 बजे तक। अगर आप यहाँ शाम में आते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कपल्स टाइम स्पेंड करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे इनलैंड वाटर बॉडीज भी है जिसके बगल में बैठ के आपको काफ़ी ही अच्छा महसूस होगा। लेकिन इस पार्क में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं तो आप उस बात का ध्यान भी जरूर रखें। 8वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल का गार्डन काफी ही बड़ा है और यहाँ पे काफी ही लोग काफी ही कपल्स टाइम स्पेंड करने आते हैं। अगर हम सिर्फ गार्डन की बात करें तो गार्डन वीक में सभी दिन खुला रहता है। विक्टोरिया मेमोरियल का म्यूजियम मंडे को बंद रहता है और गार्डन की जो टाइमिंग है यह सुबह 5 बजे ही खुल जाता है और शाम को 5 बजे तक खुला रहता है, लेकिन म्यूजियम सुबह 10 बजे खुलता है। सिर्फ गार्डन की एंट्री फीस की टिकट है 20 रुपए और म्यूजियम प्लस गार्डन की एंट्री फीस की टिकट है 30 रुपए। और यहाँ पे आने के लिए आप मैदान मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं और वहाँ से 10 से 15 मिनट की वॉक करके आप बड़ी आसानी से विक्टोरिया मेमोरियल पहुँच सकते हैं। 7वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है ईडन गार्डन्स पार्क। ईडन गार्डन का नाम सुनते ही हमें क्रिकेट स्टेडियम की याद आ जाती है, लेकिन इस पार्क को क्रिकेट स्टेडियम के पहले एस्टैब्लिश किया गया था। इनफैक्ट इसी पार्क के नाम के ऊपर क्रिकेट स्टेडियम को नाम दिया गया है। यह पार्क कोलकाता के धर्मतला एरिया में स्थित है और अगर आप यहां आना चाहें तो आप बाबूघाट या धर्मतला आने वाली कोई भी बसेस पकड़ सकते हैं और वहां से आप बड़ी आसानी से चल के इस पार्क में आ सकते हैं। यह पार्क वीक में सभी दिन खुला रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। यहाँ की एंट्री फीस है केवल 20 रुपए और अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन फ्लावर्स देखने मिलेंगे। साथ ही साथ ये पार्क फेमस है बर्मीज पगोड़ा के लिए। इस पगोड़ा को आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप इस पार्क में आते हैं तो आपको यहाँ पे काफी सारे कपल्स बैठे हुए मिलेंगे क्योंकि इस एरिया का ये सबसे फेमस कपल्स पार्क है। 6ठे नंबर पे हमारे लिस्ट में है रविंद्र सरोवर, जिसे हम ढाकुरिया लेक के नाम से भी जानते हैं। यह कोलकाता का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है और अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। वहाँ से 5 मिनट की वॉक करके आप बड़ी आसानी से इस पार्क में पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहें तो आपको हावड़ा और सियालदा से यहाँ के लिए बसेस मिल जाएंगी। आप ट्रेन से आना चाहें तो आप टॉलीगंज रेलवे स्टेशन आ सकते हैं और वहाँ से कुछ मिनट की वॉक करके आप इस पार्क में पहुँच सकते हैं। यह पार्क वीक में सभी दिन खुला रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। इस पार्क में एंट्री करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। 5वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है इको पार्क। इको पार्क भारत का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है, साथ ही साथ यह कोलकाता का बेस्ट पार्क भी है, लेकिन ये हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे इसलिए है क्योंकि यह
कपल पार्क होने के साथ साथ फैमिली पार्क भी है, तो यहाँ पे आपको काफी सारे फैमिलीज पिकनिक करते हुए मिलेंगे। इसी वजह से हमने इसे एज अ कपल प्लेस में 5वें नंबर पे रखा है। इसकी ओपनिंग 2011 में की गई थी और इस पार्क के अंदर आपको तरह तरह के एक्टिविटीज करने मिलेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है बोटिंग, रोइंग, डुओ साइकिलिंग, सिंगल साइकिलिंग, स्पीड बोटिंग, बर्ड वॉचिंग, गन शूटिंग, कायाकिंग, जोर्बिंग। इको पार्क वीक में सातों दिन खुला रहता है और इसकी एंट्री फीस है केवल 30 रुपए, लेकिन अंदर अलग अलग सभी एक्टिविटीज के आपको अलग अलग टिकट लेने पड़ेंगे। चौथे नंबर पे हमारे लिस्ट में है मिलेनियम पार्क। मिलेनियम पार्क कोलकाता के बीबीडी बाग के स्ट्रैंड रोड पे स्थित है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये 2.5 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है और अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप बीबीडी बाग आने वाली किसी भी बस को पकड़ सकते हैं और यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। आप दमदम से ट्रेन पकड़ के भी यहाँ आ सकते हैं और अगर आप हावड़ा स्टेशन से आएँ तो आप फेरी लेके फेयरली घाट आ सकते हैं और वहाँ से 2 मिनट वॉक करके आप यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यह वीक में सभी दिन खुला रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। यहाँ के सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक और वहाँ से भी आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। टॉप 3 प्लेसेस और पार्क्स को देखने के पहले चलिए कुछ ऑनरेबल मेंशंस को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ही अच्छे थे लेकिन इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाए। तीसरे नंबर पे हमारे लिस्ट में है प्रिंसेप घाट। प्रिंसेप घाट को 1841 में ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। यह फेमस है एक पैलेडियन पोर्च के लिए, जिसे जेम्स प्रिंसेप के मेमोरी में 1843 में बनाया गया था। अगर आप प्रिंसेप घाट आना चाहें तो आप दमदम से ट्रेन पकड़ के यहाँ आ सकते हैं या फिर हावड़ा या सियालदह से बस लेके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ की नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है धर्मतला मैदान या पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन, जो कि लगभग 2 किलोमीटर दूर है प्रिंसेप घाट से। प्रिंसेप घाट आने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी और ये वीक में सभी दिन खुला रहता है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 5 से शाम के 8 बजे तक। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ के पे बोटिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि बोटिंग यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस होती है। यहाँ की बोटिंग के चार्जेस है 400 रुपये प्रति बोट, चाहे आप उसमें एक व्यक्ति हों या 4 व्यक्ति हों। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है इंडियन बोटैनिकल गार्डन। इंडियन बोटैनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। टेक्निकली ये कोलकाता से बाहर है, लेकिन कोलकाता के काफ़ी नज़दीकी स्थित होने के वजह से हमने इसे इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप हावड़ा स्टेशन आ सकते हैं और वहाँ से बस पकड़ के आप बड़ी आसानी से इस बोटैनिकल गार्डन में पहुँच सकते हैं। यह मंडे को बंद रहता है, लेकिन मंडे के अलावा बाकी 6 दिन यह खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस है केवल 10 रुपए और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। इसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1787 में और यह फेमस है द ग्रेट बनियान ट्री के लिए। और पहले नंबर पे हमारे लिस्ट में है सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क विदाउट अ डाउट कोलकाता का बेस्ट कपल पार्क है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप सियालदह से मेट्रो लेके सेंट्रल पार्क मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं और वहाँ से चल के बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। आप करुणा में भी आके बड़ी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप विधाननगर से बस या ऑटो लेके भी इस पार्क में पहुँच सकते हैं। इस पार्क की एंट्री फीस है केवल 50 रुपये और ये वीक में सभी दिन खुला रहता है। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। इन सभी 10 पार्क के ऊपर मैंने अलग अलग डिटेल्ड वीडियोस भी बनाया है, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो ये था हमारा टॉप 10 प्लेसेस एंड पार्क्स इन कोलकाता फॉर कपल्स। ये जो भी प्लेसेस और पार्क्स है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है जितने भी प्लेसेस मैंने कोलकाता में विजिट की हैं उस पे। हो सकता है कि आपकी ओपिनियन उससे अलग हो और मैं उसकी पूरी इज्जत करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी और बजटेड प्लेसेस या पार्क्स हैं जो कि मैंने कंसिडर नहीं किया, तो आप उसे कमेंट करके बताएं। मैं वहाँ भी जाऊँगा और हो सके तो फ्यूचर में इस वीडियो को अपडेट भी करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।